जबलपुर संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने सभी 2139 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की थी। गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान केंद्रों पर पेयजल और टेंट की व्यवस्था की गई थी और साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और रैंप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। जबलपुर संसदीय क्षेत्र की लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ। जिले में 2139 मतदान केंद्र बनाए गए थे। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए। मतदान केंद्रों पर छांव के लिए टेंट लगाए गए, साथ ही मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएँ भी की गई। प्रशासन के इन इंतजामों की मतदाताओं ने सराहना की। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था है, पानी आने की व्यवस्था अच्छी है। धूप तेज है, इसके लिए क्या धूप तेज है, उसके लिए पंडाल लगाए गए हैं, उसके लिए एक कुर्सियाँ रखी हुई हैं। बहुत अच्छा है इंतजाम। कैसा रहा मतदान? जो बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। व्यवस्था काफ़ी कुछ बहुत अच्छी है, पानी वानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। तो धूप बहुत तेज है, गति बहुत धीमी है अभी। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, पंडाल वगैरह? बस पंडाल लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और रैंप का इंतजाम भी सुनिश्चित किया गया था।